ये पहले मुंह में से निकालता, मुंह में से निकालता। तुम मत रुक, तो बैठ तो यहाँ पर पहले। अरे मत रो ना, मैं समझ गई हूँ किसका काम हो सकता है। आज आने दो, आज आने दो, आज छोड़ेंगे ना। दोनों टंगरी ना तोड़ दिए ना उनका, तो बोलना मत रो ना। देखना देखना मैं तेरे लिए क्या लेकर के आई, देखना मुर्गा का मीट लेकर के आई हूँ। देख मैं अभी फ्राई करके देती हूँ, मत रो। आज उनको आने देना, मैं उनका खबर लेती हूँ ना आज। ठीक है, चुप हो जा, चुप हुआ ना तूने? हाँ चुप है। दीदी, दीदी, जीजा। हाँ बाबा, आने दो ना, तब ना उनको बताएंगे। दीदी, क्या हुआ? अरे जीजा, चुप तो, मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरे से प्यार और मेरे भाई से क्या? यार तुम्हारा भाई जो इतना डिस्टर्ब करता है, जब से आया देखो तब से हमने बात की है प्यार से। कभी जब हम आते हैं तुम्हारे पास में नजदीक में, कहीं से आ जाएगा, दीदी भूख लगा है, तो इतना भुक्कड़ खानदान है तुम्हारा। मेरा भाई भुक्कड़ नहीं है। तो आप उससे जलते हो? जलने वाला बात नहीं है, देखो कहने का मतलब है कि जो वो नहीं था तो हम लोग कितना प्यार से रहते थे, बात करते। हाँ तो क्या हो गया? 10 दिन के लिए आया, वो सदियों यहाँ बेचने वाला नहीं है। हम 10 सेकेंड तुमसे दूर नहीं रह सकते, समझती हो ना? वो 10 दिन से परेशान करके रखा। हाँ तो ठीक है, मुझसे प्यार करना है तो मेरे भाई से भी प्यार से रहना पड़ेगा। ठीक, बच्चों से कौन प्यार करेगा? तो जाइए यहाँ से, जाइए, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी है, जाइए यहाँ से। सॉरी, आप उससे प्यार से बात करेंगे? ठीक है, सुनिए मेरा बात, मेरे भाई 10 दिन के लिए है ना। ठीक है, अब वो 20 दिन रहेगा और आपको उसको ख्याल रखना पड़ेगा। तू 10 दिन एक्स्ट्रा क्यों रख रही हो? 10 दिन के लिए आया था ना, तो जाने दो ना। क्यों आप ऐसे कर रहे? तो साला उधर नहीं बैठेगा? बैठने दो, उधर कहाँ बैठेंगे, यहीं पे बैठेंगे। साला यहाँ बैठना। ठीक है भाई, यहीं पे बैठ, यहीं पे बैठ, बैठने दो ना उसको। बैठ, कहाँ गया था? कहीं ना, एक बाहर गया था। कुत्ता उत्ता नहीं काटा पिछवाड़ा पर? कुत्ता सबका एरिया होता है ना, दूसरा कुत्ता देखते ही भूखने लगता है। ए, बोलने का मतलब मेरा भाई कुत्ता है? कुत्ता नहीं है, कुत्ता जैसा है। दीदी भूख लगा है। हे भगवान, अरे तुमको भी थोड़ा थोड़ा देर पे ही भूख लग जाता है। चल दे, भूख लगा ना, भूख लगा है, जल्दी करो ना, नींद आ रही है। तो नींद आ रहा है तो वो बिस्तर बना है ना, उस पे जाके सो। नहीं क्यों, हमेशा तो यही सोते हैं तुम्हारे पास, अभी वहाँ क्यों सोएंगे? तो अभी मेरा भाई आया हुआ है ना, तो वो अकेले कैसे सोएगा? तो उस पे सो जाओ ना, मैं इस पे सो जाती हूँ। तो सोएगा ना वो अपने वहाँ पे, वो अकेले कैसे सोएगा? क्या बोल रहा है, क्या हुआ? अकेले नहीं सोएंगे तो साला ब्याह करा दे तुम्हारा, उनको डर लगता अकेला। असल तो बगले में तो बैठ जाएंगे, आप नहीं सो सकते। आप ज्यादा जिद मत कीजिए ना, आप जाके उसके साथ सोइए ना। नहीं, क्यों मार रहे हैं आप उसको? नहीं मार रहे, बोल रहे हैं ऐसे, ऐसे बोल रहे हैं कि सो रहा। ठीक है, आप इसके साथ सोइए, सो बाबू, सो चुप चाप सो, चुपचाप से जाकर के सोइए। सो रहे हैं, ठीक है। हर वक्त गुस्से में रहते हो आप। दीदी मार रहा है उनको। सोने में ना, तो शांत रहिए ना। मच्छर काट रहा है ना आपको, एनी टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है। सुबह बाबू तू उस मुंह घूम करके सो। अरे दवा ला दे, दवा ला। ऐसे सो ना, तो अब इसको इतना परेशान करता, अच्छे से सो ना। भक्तों ने कब भक्तों ने रह जाएगा ये सब। दीदी मच्छर काट रहा है।
अब क्या हो गया तेरे को? मैं सोएंगे बेड पर। मेरे सर पे आके सो जा। आ मेरे सर पे आके सोएगा। सो जा सो जा। सो जा ना मेरे अच्छे भाई, सो जा प्लीज सो जा, मुझे सोने दे, मैं थक गई हूँ। अब मैं सोएंगे दीदी। मैं सोएंगे बेड पर। सुनिए जी, आप उसको परेशान कर रहे हो क्या? ना सुला रहे हैं, बोलो तो लोरी गा दे रहे हैं। नहीं आप ठीक से सो जाओ। दिमाग खराब करके रख दी।